वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि अल्बानिया की अभी क्या अपडेट है। अल्बानिया का लोगों में अभी डाउट है, इतनी वीडियोस भी नहीं है कि अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है अल्बानिया के अंदर, है ना। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, तो फाइनली अभी सैमुअल जी है मेरे साथ, इन्होंने ट्रैवल किया है। आइडेंटिटी ये शो नहीं करना चाहते पर्सनल रीजन की वजह से, तो लेकिन ये अभी पहुँचे हैं 17 जून को ये पहुंचे हैं अल्बानिया। दुबई से पहले गए सर्बिया, सर्बिया से फिर ये अल्बानिया, इन्होंने ऐसे ट्रैवल किया है। तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। अभी के टाइम में इमिग्रेशन की क्या सिचुएशन है, क्या कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार अभी अल्बानिया ओपन है कि नहीं है इंडियंस के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल है कि नहीं है, ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो वो भी अभी क्लियर हो जाएगा आपको सारा। तो सैमुअल जी वेलकम, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ रॉबिन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका कीमती समय देखे, मुझे एक अपनी टेस्टिमनी देने के लिए आपने बुलाया है। हाँ जी, हाँ जी, आप जो इतना बेहतर काम कर रहे हैं, आपको 1.5 साल आपके वीडियोस देख के ही मैंने भी इतनी हिम्मत दिखा के आगे बढ़ा हूँ, चलिए, तो बहुत आपका पहले शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ ऐसे ही जितने भी अलग अलग लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से या दूसरे कोई कंट्री से, प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियोज़ डालते रहे ताकि मैं भी आगे ट्रैवल कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, हम तो कंटिन्यू करेंगे ही। अच्छा बिल्कुल श्यामल जी, सबसे पहली कन्फ्यूज़न तो ये है लोगों के अंदर कि अल्बानिया अभी वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए कि नहीं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो हंड्रेड ये है। परसेंट है, 31 दिसंबर तक 100% है। 31 दिसंबर 2022 एम्बेसी को, को। काउंसलर्स को मैंने ईमेल किया था, वो ईमेल कंफर्मेशन भी लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने 2022 करके वेबसाइट पे मेंशन नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये न्यूज़ थी कि वो 21 तक ही होने वाला है। बट जो गवर्नमेंट के साथ में उनका जो नया रिन्यूअल हुआ है, उसका अपडेट सिर्फ एक पीडीएफ फॉर्मेट में उन्होंने डाला हुआ है, जो कि हर एक को नहीं मिल सकता। तो थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो वो भी मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, बट इवेंचुअली इन्होंने 2022 तक कर चुके हाँ हैं। जी, हाँ जी, हम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, जो भी है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल अच्छा तो सैमल जी, मान लो कि अभी किसी को ट्रैवल करना है, ट्रैवल हिस्ट्री किसी की, चार पांच किसी कंट्री किसने ट्रैवल कर रखी है, लेट्स बिल्कुल सपोज ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल, तो वो कैसे ट्रैवल करे? डॉक्यूमेंट्स, अभी अल्बानिया जाना है, मान लो कि मुझे ही जाना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे? सभी लोगों को सुन के बहुत शौक होगा कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आज सर्बिया या अल्बानिया के लिए, क्योंकि मैं दुबई से सर्बिया और सर्बिया से मैंने अल्बानिया लिया है, जो कि सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि एक कंट्री से एग्जिट करना था, जिस कंट्री में हम आए थे उसी उस जिस कंट्री से आए उसी कंट्री में रिटर्न जाने का टिकट हमने बनवाया है, तो ये सिस्टम में शो करेगा या नहीं करेगा, क्या हम लोग ऐसे दूसरे कंट्री में जा सकते सही हैं कि है, नहीं जा सही सकते। है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही कहूंगा कि ना आरटीपीसीआर टेस्ट है ना कोविड-19 की टेस्ट है। आज ये पूरे 1 महीने तक ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक क्योंकि है, 1 महीने तक का सर्कुलर उन्होंने जारी कर दिया है। ना ओके, आरटीपीसीआर टेस्ट है ना कोविड-19 की टेस्ट है, सॉरी आरटीपीसीआर कोविड-19 की है, लेकिन सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत कोई नहीं जरूरत है। नहीं है, बाकी लगी तो हुई है मैंने मोस्टली, आजकल तो जो भी ट्रैवल करता है मोस्टली वो फुली वैक्सीनेटेड तो वो है ही, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, लेकिन तो मेरे केस में मैं फुली वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, सबसे ओके, इम्पोर्टेंट। और तो दूसरी बात, सर्बिया से आपने कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल किया अल्बानिया? मैंने एयर सर्बिया सेलेक्ट की एयर थी, सर्बिया से आपने एयर ट्रैवल सर्बिया किया, और जी। उसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे? लगभग मुझे ये, अगर आपके पास में लगेज ज्यादा है, क्योंकि ये लो बजट कैरियर्स होती हैं, 1 घंटे 15 मिनट की फ्लाइट है सिर्फ ठीक सर्बिया है, से यहाँ ठीक पे, है, और यहाँ पे अगर लो बजट कैरियर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका हैंड बैगेज ही कैलकुलेट होता है। अगर आप फिर एक्स्ट्रा कैरी कुछ ऐड करना चाहते हो तो 32 kg का अगर ऐड करते हैं तो जितनी की टिकट है, मान लीजिए 6,000 की टिकट थी सरविन दिनार की, तो 6,700 प्लस 6,000 मुझे एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि मेरे पास में लगेज ज्यादा था, क्योंकि मेरा प्लान अभी कंटिन्यूएशन का है, ओके ओके, तो उसके लिए मैंने 6,000 एक्स्ट्रा भरे। नहीं तो आप लोगों को 6 से 7 हज़ार के इंडियन रुपीज के हिसाब मिल से जाती आपको है, 7 हज़ार के अंदर ही मिलने वाली है, ठीक है, ठीक है। ओके। वहां से आपको एग्जिट करने में कोई भी परेशानी नहीं आती है, ठीक है, ओके, सर्बिया से एग्जिट करने और में तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि भाई बंदा कोई भी वापिस इशू आ नहीं रहा है, आता है, ठीक है। बिल्कुल। तो और जब आप अल्बानिया, अल्बानिया का इमिग्रेशन कैसा है ये बताइए। अल्बानिया का एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करना चाहूँ, तो अगर कोई आपके व्यूअर्स जो है अगर उज्बेकिस्तान अगर गए हैं, तो एज इट इज एयरपोर्ट है, एज इट इज सेटअप है, और तीन चार लाइनें जो होती है और एक बीच में जो इमरजेंसी की लाइन है, और बाकी ऑल पासपोर्ट्स करके हैं, तो जो भी नेशनलिटी आप हो तो तीन लाइन उसकी है और एक छोटी सी लाइन है नॉर्मल जो इमरजेंसी के लिखा हुआ है, तो उनके लिए एक प्रायोरिटी लाइन है।
आप जाते हो, आपका पासपोर्ट देते हो, अगर उनको डाउट आता है तो शायद पूछते होंगे, लेकिन मुझे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा वेलकम टू अल्बानिया। तो ना डॉक्यूमेंट्स मेरे आपके पास रिटर्न मतलब टिकट कुछ नहीं चेक थी, हुए? मैंने बोर्डिंग पास भी नहीं दिया उनको, मेरा जो बोर्डिंग पास भी वो भी नहीं दिया। पहले तो मैं रात को 1:30 बजे पहुंचा था, तो अच्छा मैंने अच्छा इतना श्यामल मतलब जी, आपके अलावा कोई और इंडियन था आपके आसपास या आगे मेरे पीछे? फ्लाइट में एक भी इंडियन नहीं था, कोई भी तो इंडियन पूरा का नहीं? पूरा शायद मुझे बार बार डर लगता है, क्योंकि वीडियोस जब देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि अकेला इंडियन, ठीक है, ऊपर से शक और इतने सारे ओके बैगेज ओके ओके कि मुझे वापस रिपोर्ट तो नहीं कर देंगे, रिपोर्ट करेंगे तो सर्बिया करेंगे कि दुबई करेंगे, या दुबई करेंगे या इंडिया करेंगे, बड़ा मतलब कंफ्यूजन ये रहता किसी को सवाल के जवाब ही नहीं पता होता है। है। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। तो लिटरली उन्होंने सिर्फ सिर्फ जहां पे मैंने वो पासपोर्ट खोल के दिया है, उन्होंने वापस बस नाम जो चेक करना होता है वहां पे लिया, और मैं इनफैक्ट उनको ये भी बोला, मैंने उनको यहाँ पे स्टैंप मार दीजिए, ये पेज पे पीछे मत डालिएगा। तो स्टंप तो लगा दी लगभग अल्बानिया में, स्टंप लगाई है उन्होंने? बिल्कुल स्टैंप लगी है मेरे पास, अच्छा प्रॉपर ओके स्टैंप है जी, सर्बिया में स्टैंप लगा है, एग्जिट का स्टैंप लगा है, अल्बानिया में लगा है। अभी मेरा प्लान है, अभी मॉन्टीनिग्रो जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं वीजा स्टिकर लेके जा रहा हूँ ओके 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 जी। ठीक है ठीक है ठीक है, वॉज बिल्कुल वेरी लाइक दैट, इफ एनी बडी योर व्यूअर्स जस्ट वॉन्ट टू गो, आई विल सिंपली सजेस्ट देम, इफ यू आर रियल ट्रेवलर, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट 1000 times टू हैव दिस डॉक्यूमेंट दैट डॉक्यूमेंट रेडी, ठीक है। आप अगर जेन्यून ट्रैवलर है, अब हेलो, हेलो। हाँ जी, आपका आवाज कट गया था, ओके मैं यही कह रहा था कि अगर आपके जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर आप जेन्यून ट्रैवलर्स हैं तो बिना डरे, जो रूल्स रेगुलेशन जो हमारे लिए सबके लिए सेम है, कोई कोई स्टेट जो है आपके सब्सक्राइबर सब जो जानते हैं, एक स्टेट के वजह से थोड़ा सा नाम खराब है, मतलब ये नहीं कि इमिग्रेशन में नाम खराब है, आप जब सर्बिया क्रॉस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता देंगे, अगर आप पूछेंगे तो थोड़ा नाम हम थोड़ा खराब है, पासपोर्ट का इंडेक्स वहां पे थोड़ा खराब है, ओके बाकी आप जेन्यून हो तो आराम से आप आइए, एंजॉय कीजिए, बेलग्रेड बहुत बेहतरीन जगह है, उसके बाद में आप अल्बानिया आइए। अल्बानिया में एक छोटा सजेशन देना चाहूंगा, अल्बानिया पे कहीं पे भी कार्ड चलता नहीं है, जैसे सर्बिया में चलता है, हर जगह पे आप टैप पे करते हो, और डिलीवरी सिस्टम है ना, डिलीवरी है ना, टैक्सी है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इतना याद रखिएगा, हर पहले ही पैसे निकाल के रखिए। तो भाई आप ये बताइए कि आप एयरपोर्ट से, जो तिराना का एयरपोर्ट है, तिराना के एयरपोर्ट से जहाँ पे भी आप रुके हो, हॉस्टल या होटल, वहाँ जी तक फिर कैसे गए? मतलब कोई आना चाहे तो क्या है मतलब ट्रांसपोर्ट का हिसाब बहुत, किताब? अगर दो इसमें भी दो चीजें हैं, अगर दिन में आते हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली पब्लिक का आराम से यूज कर सकते हो, तो वो लेकिन एयरपोर्ट बहुत के सारे बाहर ही है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाहर एयरपोर्ट ही है, बहुत नजदीक है, टैक्सीज भी अवेलेबल है, लेकिन फिक्स रेट्स हो तो 20 यूरो लगभग, मतलब 2500 लेक, ये अल्बेनियन लेक करके है इनकी करेंसी, तो वहां से आराम से आपके मतलब लगभग 25-30 किलोमीटर तक का अगर एरिया हो, मतलब जो अल्बेनियन सेंटर है तिराना, वहां तिराना सेंटर से भी अगर आपका 20-25 मिनट भी दूर भी है तो भी हो जाएगा। मैंने एयर बीएनबी सिलेक्ट किया था, तो उस वजह से मेरे को ऑलरेडी, मैंने हॉस्ट से बात करी थी कि मैं 2 बजे आने वाला हूँ या रात के 3 बजे आने वाला हूँ, तो वहाँ पे इंस्टेंट बुकिंग थी और इंस्टेंट लॉक सिस्टम है, तो आपको चाबी कोड से ही मिल जाती है, और अगर कोई तो रात को बेटर है। टैक्सी रात थोड़ी महंगी है, थोड़ी ओके टैक्सी महंगी है, और अब दिन में अगर ट्रैवलर्स हो तो बेसिकली, अभी मैं आया हूँ मेरे पर्पज से, लोग अपने पर्पज से आते हैं, तो थोड़ा हर जगह पे जो लगता है कि एक से अब 1 रुपए से अगर गिनते हैं तो इतना हो जाएगा सर्बिया में या अल्बानिया में, मैं दिराम को गिनता हूँ कि मैं दुबई से आया हूँ तो दिराम में इतना होता है, लेकिन आप ये छोड़ दीजिए कैलकुलेशंस, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा महंगा ही लगेगा आपको हर जगह, तो प्लान करके आइए और एक्सप्लोर कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी सीट लग, अभी के टाइम पे कैसा वेदर है, कैसी सिचुएशन है, लोग कैसे हैं अल्बानिया में? एक भी जगह पे कोई मास्क नहीं पहनता, मतलब आपको मुश्किल से कहीं मास्क दिखेगा नहीं कहीं पे, मतलब कहीं पे भी नहीं दिखेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में से लेके कहीं पे भी आपको मास्क नहीं दिखेगा। और अभी के टाइम में और घूमने के लिए कैसा अभी है अल्बानिया? क्लाइमेट काफी अच्छा है, सर्बिया और दोनों का भी क्लाइमेट, दोनों में भी 3.5, इंडिया के हिसाब से 3.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 11:10 हो रहे हैं, तो आपके तो इधर अभी अभी वेदर पता नहीं, कैसा है, मतलब नॉर्मल वेरी ठंड प्लेजेंट, है? वेरी प्लेजेंट, दिन में हल्की फुल्की गर्मी है, लेकिन शाम के 5 बजने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा अभी है। आप कौन से एरिया में हो, तिराना में? मैं तिराना में ही हूँ अभी फिलहाल, फिलहाल तिराना। जैसे कुछ अपने स्टेट, जैसे पंजाब है, मैं बोल देता हूँ पंजाब की वजह से, मतलब पंजाबी पासपोर्ट या एड्रेस जिसमें होता है
तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क होता है बंदों को ट्रैवल करने के लिए। बिल्कुल होता है। उस पे आपका व्यू क्या है एज कंपेयर टू मैं साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, फिर भी अगर कोई हमारे भाई पंजाब से भी आना चाहते हैं, जो कि डोंकी या कोई आगे नहीं जाना चाहता है, मैं अगर डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट बोला तो मैं भी डायरेक्ट नहीं बोलने नहीं की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे बहुत अच्छे से फेमस है कि वो मेन शेनेगन एरियाज में एंट्री करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल। उनको कहना चाहूंगा हजारों और रास्ते हैं, बस ये रास्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले आपके दूसरे पंजाबी भाइयों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल पासपोर्ट चंडीगढ़ से बन रहा है, नहीं तो वहीं से बन रहा है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल ये उनको हो रही है। सही बात है लेकिन सही बात है। मैंने देखा है यहाँ पे भी बहुत सारे पंजाबी भाई, उनको भी एंट्री मिली है मेरे सामने, जो हर बार लोग कहते हैं कि पंजाबी मिले और उनको बिठा दिया, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ में वो विज एयरक्राफ्ट में जो देख रहा था मैं, वहां से चार पंजाबी अच्छे खासे आराम से जा रहे हैं, कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी उनको पूछा नहीं, ट्रैवलिंग पर्पस क्या पर्पस कुछ नहीं पूछा, स्टैम्प मिला है उनको, मिला है तो उनको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खराब हो चुका है। बिल्कुल बट हाँ, बिल्कुल। आप लोग आपका कॉन्फिडेंस रखिए और आप हिम्मत मत हारिए, और ये सस्ती फ्लाइट वाला जो चक्कर है ना, इसको बंद कर दीजिए, ओके इसको ओके। थोड़ा सा बंद कर दीजिए। ये आप मतलब आप दुबई आते हैं, दुबई से आप अबूधाबी जाते हैं हाँ और सही वहां बात से टिकट निकालने की कोशिश करते हैं, आपका पर्पस ही चेंज हो जाता है। सही ठीक है है, सही है आप सही। घूमने भले बजट ट्रैवलर हो, लेकिन टिकट तो टिकट है, आप हाँ मेन बिल्कुल। फ्लाइट से एमिरेट से ले लो, फ्लाई दुबई से ले लो, जेन्युइन ट्रैवलर हो। सही है सही है सही है सही बात है। ठीक है तो बहुत अभी अच्छा, हाँ बहुत हाँ अच्छा मौका है, अभी ओके। 3 4 महीने ये बहुत अच्छे तो हैं, मतलब फाइनली जो जिनको भी चांस अल्बानिया दे है ट्रैवल कर देना, वो प्लीज ट्रैवल कर लो, जो अल्बानिया है वो 31 दिसंबर 2022 तक फ्री है डेट नहीं दी वीज़ा। हुई है अभी भी, 22 नहीं लिखा हुआ है, अच्छा लेकिन 22 नहीं मुझे लिखा लगता है अगले हुआ। साल भी बढ़ेगा, हाँ ये चलता अगले रहेगा साल भी ये बढ़ेगा, चलता देखो रहेगा चलता रहेगा। आप सही कह रहे हो चलते ये चलता रहेगा। हैं। मतलब अभी अगर किसी को जाना है भाई अभी तो बिल्कुल जा सकता है कोई इशू नहीं है। ठीक है मैं तो ये 100% चीज़ कह सकता हूँ कि आपको पासपोर्ट के अलावा अगर कुछ नहीं मांगेगा, बस आपने जाते ही इमिग्रेशन के, जैसे ही वो पासपोर्ट कंट्रोल कहते हैं इसको, जब वो क्रॉस करते हो आप लोग, तो एक थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखो सही और बात उनको है। पूछो हाउ यू डूइंग, यू नो, हाँ हे हाय, हाउ यू हाँ डूइंग, सही कैसे हो बात आप, है सही इतना बात है। दो लैंग्वेज में तो उतना बोलो, उनको अंग्रेजी कुछ आती नहीं है, हाँ आपको तो दो शब्द तो आते ही होंगे, सही बात है एक सही थोड़ा बात है कॉन्फिडेंस आपके पास में रखो और बिल्कुल उनको कहो बिल्कुल। कि आप कैसे हो, अगर सही वो बात पूछे कि पर्पस क्या है, आई एम हियर ओनली फॉर टूरिज्म, दिस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, सिंपल, सही अगर बात है सही पूछते भी है तो आप बोलो, ये बिंदास बिल्कुल। बोलो, आपका और आपका पासपोर्ट कंट्रोल इमिग्रेशन ऑफिसर का कोई बैर नहीं है, बिल्कुल उसको आपने बिल्कुल। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, जो भी मेरा इंडियन भाई है वो वहां पे आएगा, उसको चुपचाप पासपोर्ट पे स्टैम्प दो और एंट्री बिल्कुल दो, तो बिल्कुल उनकी आपको ड्यूटी है डरने यार की उनकी कोई बात ही ड्यूटी है। नहीं। सही जी बात है जी जी सही बात है सही बात है। बहुत अच्छा बताया आपने। तो ठीक है जमुल जी आपने टाइम निकाल के अपना थैंक एक्सपीरियंस यू शेयर सो मच, किया और आई होप इट विल बी हेल्पिंग लोड ऑफ पीपल जिनको भी ट्रैवल करना एंड है। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग सो फार। या तो भाई शेयर जरूर कर देना वीडियोस को शेयर जरूर किया करो यार ताकि लोगों को पता चले सिचुएशन क्या है एक्चुअल में अभी के टाइम पे। राइट मैं भी कहना चाहूंगा सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबका डर मिटा दीजिए और सब लोग अपनी प्रॉपर आइटनरी बना के लोकेशंस यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत जगह अच्छा बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा है, आप आइए एंजॉय कीजिए और बहुत सारी कंट्रीज को एक्सप्लोर कीजिए। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और रॉबिन साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जैसे मैं बहुत जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, बहुत कंट्रीज घूम चुका हूँ, फिर भी मैं इनके वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि इनके पास में इतने सारे पेशेंट आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, कि जिनके सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होते हैं कि बिल्कुल जाऊं या बिल्कुल नहीं जाऊं, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। डिपोर्ट हो गया, वो डिपोर्ट हो गया, मेरा दोस्त सही डिपोर्ट बात हो गया, सही बात। यूट्यूबर को डिपोर्ट कर दिया, हाँ तो जी हाँ जी डराते हैं, बिल्कुल। डरिए मत, आइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलिए रॉबिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू भी सो आपका मच समय निकाला, थैंक यू मैं सो बिल्कुल मच। चाहता था कि मैं अपना एक रिव्यू शेयर करूं बिल्कुल और बिल्कुल लोगों को कहूं कि बहुत बेहतरीन कंट्रीज हैं ये, हाँ छोटी हाँ छोटी सी कंट्रीज हैं, बीचेस काफी अच्छे हैं, लोग काफी अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, प्लीज आइए और एंजॉय कीजिए यहाँ। चलिए जी थैंक यू सो मच।